नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। लेट आर एंड स्मॉल आर, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर दिया है, ये है हमारे पास कैपिटल आर, ये है हमारे पास स्मॉल आर। लेट आर एंड आर बी द आउटर एंड इनर रेडी ऑफ द रिंग, देन एरिया ऑफ द रिंग इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बेहतर होगा कि आप इसे याद रखें, और नहीं तो हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा वाला सर्कल है, ये कैसा सर्कल है, बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रिंग, मीन्स हमें ये एरिया मिल जाएगा येलो वाला, है ना, येलो वाला एरिया हमें मिल जाएगा। कब, जब बड़े वाले सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से हम छोटे वाले को घटा देंगे तो, है ना, छोटे वाले को हम घटा देंगे तो, ठीक है। हम लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए बड़े वाले का रेडियस जो दिया गया है वो कैपिटल आर दिया गया है, कितना दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है। ध्यान से देखिए, ये जो रेडियस है हमारे पास, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर दिया गया है। तो बड़े वाले का एरिया निकालते हैं, उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, तो बड़े वाले का हम लिखते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही होता है एरिया हमारा, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ रिंग हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रिंग, येलो कलर जो आपको दिख रहा है, येलो वाला पार्ट, वो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, पूरे एरिया में से छोटे वाले सर्कल के पूरे एरिया को घटा देंगे तो निकल जाएगा ये एरिया ऑफ रिंग। तो पाई आर स्क्वायर बताइए, अभी पाई यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर निकल गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आपको याद रखना है कि कैपिटल आर स्क्वायर में से, मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसके रेडियस के स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस के स्क्वायर को अगर घटा दें और उसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ रिंग हमारा निकल जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ये बड़ा वाला सर्कल है हमारे पास और ये छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस एरिया को घटा दें तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है वो एरिया ऑफ रिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क देखेंगे कैसे निकाल पाएंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट कैसे निकाल पाएंगे, है ना। सेगमेंट मैंने आपको बताया था, सेगमेंट में रेडियस नहीं होता हमारा, ये हमारा सेगमेंट कहलाता है, सॉरी ये हमारा सेगमेंट है। सेक्टर मैंने आपको बताया था कि आर्क और रेडियस को मिलाकर जो एरिया बाउंड होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। सेगमेंट आपको पता है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है, ये रिकॉल कराया है मैंने आपको, वैसे ये सब चीज आपको दिमाग में रखनी है। लेट अस एन आर्क ए बी मेक एन एंगल थीटा, जो क्या है 180 से कम है, ये जो ए बी एक आर्क, क्या है ए बी एक आर्क है, ये थीटा एंगल बना रही है, कितना, थीटा डिग्री एंगल बना रही है, जो कि 180 से कम है, मीन्स थीटा इज लेस देन, सॉरी थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ये बताया गया है। एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, अच्छा इसकी जो रेडियस दी गई है वो कितना है, आर दिया गया, मतलब ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ बी इज इक्वल टू आर, ए सी बी क्या है, एक हमारा, या फिर बोल सकते हैं कि ए बी एक आर्क है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क, अगर ए बी की लंबाई निकालनी है, ये वाला चीज अगर आपको निकालना है कि कितना लंबा है ये, इसकी लेंथ निकालनी है, मेजरमेंट इसकी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये आप याद रखिएगा, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो ये देखिए लेंथ ऑफ आर्क को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जो लेंथ ऑफ आर्क है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क को एल ओ ए से हम दिखाते हैं, तो ये है हमारा 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पे कि अगर एक सर्कल है हमारे पास ये, ठीक है, इस पे एक आर्क हमारा बनता है ए बी, ए बी आर्क बनता है, ये सेंटर है,
ये ए बी एक आर्क है, ये आर्क है ए बी, ठीक है। इस आर्क के द्वारा यहां पर कुछ एंगल बनाया जाता है, मान लीजिए ये क्या है थीटा वन है। उसी तरीके से एक आर्क हम लेते हैं, थोड़ा सा इस आर्क को बढ़ाते हैं, अगेन हम लेंगे ए बी, इस बार ये आर्क थोड़ा सा बड़ा है, इसे मानते हैं हम थीटा टू। अगेन हम क्या करते हैं, एक बार फिर एक सर्कल लेते हैं और सेम साइज का सर्कल है ये, अगेन एक सर्कल लेते हैं, इस बार थोड़ा सा और बढ़ाते हैं थीटा को, अगेन ये ए बी आर्क है हमारा, और अब जो ये थीटा है, थीटा कितने के बराबर है, थीटा थ्री है ये हमारा, ठीक है। मीन्स ये अभी आर्क हमारा बढ़ चुका है, पहले से बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा, समझ में आ रहा। एक समय ऐसा तो जरूर आएगा जब ये आर्क दोनों आपस में आके मिल जाएंगे यहां पे, दोनों आर्क, ठीक है, ये सेंटर है ओ, ये आके मिल जाएंगे। अभी आर्क की लंबाई क्या है, ये देखिए ये पूरी आर्क की लंबाई, पूरी आर्क की लंबाई है ना, ए पॉइंट भी यहीं पे आ जाएगा, बी भी यहीं पे आ जाएगा, देखिए ए और बी दोनों हमारा यहां पे आ जाएगा, है ना, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, हमारा ए पॉइंट भी यहीं पे आएगा, देखिए एक समय में ए और बी पॉइंट दोनों यहां पे आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि ये जो आर्क की सेंट्रल एंगल जो हमारा जो बन रहा था, सेंट्रल एंगल जो बनता है हमारा, देखिए रेडी है, रेडी जो मिलके बनाता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। तो सबसे छोटा सेंट्रल एंगल था हमारा कौन सा, सेंटर एंगल ये था, फिर उससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे मैक्सिमम है ये कितने के बराबर रहेगा, 360 के बराबर, 360 के बराबर होगा। तो अब बताइए कि 360 डिग्री पे है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री पे जो हमारा लेंथ है आर्क की वो कितनी है, 2 पाई आर, कितनी है 2 पाई आर के बराबर। देखिए ये पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर है, बिल्कुल है। तो एक डिग्री पे कितने के बराबर होगी, यूनिटी मेथड यहां पे लगाते हैं, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई, बताइए। अभी आप बताइए कि एक डिग्री अगर यही हमारा एक डिग्री सेंट्रल एंगल हो, सेंट्रल एंगल क्या होता है पिछले ट्यूटोरियल में बताया मैंने आपको, देखिए उसको, और ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। अच्छा तो अब थीटा डिग्री बराबर क्या होगा बताइए, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 गुने थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एंगल मेड बाय सेक्टर, सेक्टर एंगल इसे बोल सकते हैं, सेक्टर एंगल, सेक्टर जो एंगल बना रहा है सेंटर ओ पे, कहां पे, सेंटर ओ पे, वही है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 360 डिग्री पे चाप की लंबाई 2 पाई आर थी, एक डिग्री पे 2 पाई आर बटा 360, तो थीटा डिग्री पे चाप की लंबाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इनटू थीटा होगी। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ थीटा हमारा ये निकला, ये लेंथ ऑफ थीटा, देखिए सॉरी लेंथ ऑफ जो आर्क थी वो हमारी निकल गई यहाँ पे, कि थीटा डिग्री पे, अगर आपको डिग्री पता रहे, ये थीटा एंगल पता रहे आपको, तो आप और रेडियस आपको पता रहे, तो आप आर्क की क्या कर सकते हैं, लेंथ को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, इस तरीके से। ये हमने इसे डिराइव करके दिखाया है, तो आप इसे यूं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या देखा हमने, लेंथ ऑफ आर्क देखा, अभी देख लेते हैं आर्क, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया निकालना हमें, ये पूरा एरिया सेक्टर का, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि एक सर्कल था जब हमारे पास पूरा पूरा, सेंटर इसका ओ था, तो इसका जो एरिया होता था वो कितने के बराबर होता था, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता था, कितने के बराबर, पाई आर स्क्वायर। इसी सर्कल को जब हम सेमी सर्कल हाफ में डिवाइड कर देते थे, ये हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, तब इसका जो एरिया है वो हो जाता था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
इसी सर्कल को जब हम क्या करते थे, चार पार्ट में डिवाइड करते थे, डायमीटर क्या होता था, क्वाड्रेंट होना चाहिए यहाँ पे, डायमीटर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होते थे, तब इसका जो एरिया होता था वो कितना होता था, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये होता था। लेकिन अब क्या हो, जब हमारे पास सेंटर ओ है और कुछ यू, इस चीज का हमें निकालना है, ये जो हमारे पास ये जो सेक्टर बना इसका एरिया आपको निकालना है, तब एरिया क्या होगा ये हमें देखना है, एरिया क्या होगा बताइए। यहाँ पे हर एक में आप देख रहे होंगे कि हमें होल का एरिया निकालना था, तो ये जो सेक्टर वाला जो पार्ट है, जैसे ए बी, ए ओ बी ए, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है वो देखिए। आपको इसके लिए सबसे पहले यहां पे समझिए कि हमारा एरिया क्या होता था, पूरे एरिया में से आधे एरिया को हम क्या करते थे, दो पार्ट में दो से डिवाइड कर देते थे, तो ये एरिया निकल आता था, उसे चार से डिवाइड करते थे तो ये एरिया निकल आता था। अभी इसे हम कितने से डिवाइड करें, ये सोचने वाली बात है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो आर्क है हमारा, ये जो आर्क ए बी है, ये जो ए बी आर्क है, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, मींस इस ए बी आर्क का सेंटर एंगल क्या है, सेंटर एंगल क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है। कैसे, यहां पे भी देखिए, इस केस में अगर बात करते हैं सेमी सर्कल वाले में, तो हमने क्या किया, 180 डिग्री पे ये क्या सेंट्रल एंगल बना रहा था, सॉरी ऊपर में, कितने पे, 180 डिग्री था ये हमारा, 180 डिग्री, तो 180 है ना डिवाइडेड बाई 360, पूरे में से 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम कर रहे थे, तो ये दो बार में कट जा रहा था। उसी तरीके से यहां बात करें तो ये कितने में, 90 में, हमने बोला था परपेंडिकुलर होना चाहिए डायमीटर एक दूसरे के, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, पूरा कितना है 360, 360 में 90 डिग्री का एरिया हमें निकालना है, ऐसा एरिया जो 90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, तो इसे चार बार में डिवाइड करते थे तो ये कितना हो जाता था, बाई 4, मतलब इतना पाई आर स्क्वायर बाई 4। अभी ये मान लीजिए आपके पास थीटा है एंगल, ये जो एंगल सेंटर एंगल वो थीटा है, तो आप क्या कीजिएगा, थीटा है ना डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इन जनरल ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, और वही तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, या फिर इसको साथ में लिखे इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई सॉरी ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया, इसका डेरिवेशन समझ में आया, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा इस पार्ट को। अच्छा, इसी में अगला जो पॉइंट है वो हमारा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकाले, ओ ए सी बी ओ ए का, ओ ए सी बी ओ मतलब ये आपको निकालना है, ये डिफरेंट कलर से मैं दिखाता हूँ, इसको रेड कर लेते हैं, ये देखिए ये रेडियस प्लस ये आर्क और उसमें फिर से रेडियस का एडिशन, ये अगर कर दे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, बाउंड्री निकल जाएगी उसकी, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सेक्टर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताइए, निकल जाएगा। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, ये है हमारा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, अभी हमने इसे डिराइव किया था। लेंथ ऑफ आर्क हम जो निकालते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर POS इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, दो 2 इंटू रेडियस ऐसा लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे पास, ये देखिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री और प्लस 2 इंटू आर,
रेडियस, ये क्या होगा, क्या होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। समझ में आ रहा है, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया। समझ में आएगा गाइस, ठीक है। मतलब दो काम करो, एक क्या करो कि इसके आर्क को निकालो, तो हमने निकाला 2 पाई आर थीटा बटा 360 निकाला, और उसमें इस दोनों रेडियस को ऐड कर दो, मतलब 2r को ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, प्लस 2r को यहाँ पे ऐड कर दिया, बस काम खत्म। ये सिंपल सा काम तो हमें करना है, और कुछ भी तो है नहीं इसमें खास, तो आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है हमारा वो क्या है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओ नाम दिया इसे, और ये वो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज व्हाट, कोड। ये कोड है, और इसके द्वारा इस कोड और ये जो आर्क है, मान लीजिए कोड हमारी ए बी है और ए बी जो आर्क है, ये दोनों मिलके क्या करती है, इस एरिया को, इस रीजन को बाउंड करती है, तो ये कहलाता है हमारा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है, ये माइनर सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे सी दिया है, ए, हाँ ए सी बी ए, ए सी बी ए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए इस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है कैसे निकालना है, पता है आपको, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। इसमें से आप क्या कीजिए कि इस ट्रेंगल के एरिया को आप घटा दीजिए, इस ट्रेंगल के एरिया को घटा दीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, तो अभी इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी अभी इस फॉर्मूले को क्या कीजिए, याद रखिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ, ये देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस है, याद रखिएगा इसको, हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा थीटा कौन सा है बताइए, ये एंगल जो होगा ये थीटा है हमारा, ठीक है, थीटा की जगह पे हम इसको डालेंगे, ये समझ गया। डेरिवेशन में इसको, इसकी डेरिवेशन है, ये प्रॉब्लम कराते वक्त मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या उसकी जरूरत भी नहीं है, आई थिंक आपको 10th क्लास में इसकी डेरिवेशन को नहीं सीखना है, आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, बस यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट क्या है, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये पार्ट जो बचा है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल में से इस छोटे माइनर सेगमेंट वाले को घटा देंगे, इस एरिया को घटा देंगे तो निकल जाएगा वो, है ना। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है, समझ में आया आपको, बस ये याद रखना है आपको। चलिए तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है हमारे पास, ये देखिए अभी बताया मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास क्या है, ये है, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या, तो ये हमने देखा गाइस, कुछ कॉन्सेप्ट थी हमारी सर्कल्स को लेके, अभी हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और अपने जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो सीरीज है पूरी की पूरी, ये CBSE ICSE के लिए है, और बिहार बोर्ड वाले भी या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने जो डिस्कस की है वो हिंदी में की है। आई होप ये किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ सकती है, थोड़े से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वीडियो के साथ बने रहिए, सीरीज वाइज जो प्लेलिस्ट है उस अनुसार देखिए वीडियो को, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है।